फ्रेंड्स, सीपीसी के अपने 15th लेक्चर में मैं आज डिस्कस करूंगा एग्जीक्यूशन, निष्पादन, डिक्रियां कैसे लागू की जाती हैं, कैसे इन्फोर्स की जाती हैं। क्योंकि एग्जीक्यूट का मतलब होता है इन्फोर्स करना, अप्लाई करना। और जब हम आप देखेंगे सीपीसी में, तो सीपीसी में तीन स्टेजेस होती हैं। पहला तो होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ लिटिगेशन, सूट को जो फाइल करते हैं, जो हमने बताया था ऑर्डर 1 और 2 से रिलेटेड है। दूसरा है एजुडिकेशन ऑफ लिटिगेशन। एजुडिकेशन का मतलब होता है जब जजमेंट या डिक्री दी जाती है, जो ऑर्डर 20 में है और सेक्शन 2 क्लास 2 में डिक्री दी गई है, सेक्शन 20 क्लास 4 में, सॉरी रूल ऑर्डर 20 रूल 4 में डिफिनीशन दी गई है जजमेंट की, और यही डिफिनीशन आती है सेक्शन 2 रूल 9 में भी। तो पहला क्या स्टेज होती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ लिटिगेशन, मुकदमा दायर करना। दूसरा है मुकदमे की एडजुडिकेशन, जिसको कहते हैं पासिंग ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अंतिम डिक्री जब हो जाती है, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो चाहे फाइनल हो, लेकिन जब आगे एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के कोई कुछ कार्यवाही न करनी हो, तो वो डिक्री होती है। और डिक्री फाइनल है या नहीं है, उसका एक लिटमस टेस्ट होता है, मापदंड होता है कि रिज एजुडिकेटर का प्रिंसिपल अप्लाई होगा या नहीं होगा। क्योंकि रिज एजुडिकेटर का प्रिंसिपल अप्लाई करता केवल उस पर जो डिक्री फाइनल होती है, अंतिम होती है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ लिटिगेशन, एजुडिकेशन ऑफ लिटिगेशन, मतलब जो डिक्री फाइनल हो जाती है। और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिटिगेशन, उस मुकदमे की जो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड प्रोविजंस सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 36 से लेकर के 74 तक में दिए गए हैं। उसमें वेरियस स्टेजेस होती हैं, और इसके अलावा ऑर्डर 21 में डिटेल रूल्स दिए गए हैं। तो अब जब हम डिक्री को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम समझते हैं डिक्री के एग्जीक्यूशन में होता क्या है। जैसे देखिए, डिक्री दो तरीके हो सकती है, बेसिकली कई तरीके हो सकती है। जैसे पेमेंट को लेकर डिक्री हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को लेकर हो सकती है, पार्टनरशिप को लेकर के हो सकती है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स को लेकर हो सकती है, जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या काउंटर क्लेम को लेकर के डिक्री हो सकती है। तो हम आप जनरल फीचर्स की बात करेंगे, क्योंकि डिक्री के तो आप मैंने बताया था आपको काउंटर क्लेम में कि डिक्री दोनों कोर्ट एक साथ दे सकता है। जो रिटर्न स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट अपने क्लेम को लेकर आता उस पर भी, और जो प्लेंटिफ पहले जो क्लेम कर लेके आता है जिसमें वो सूट फाइल करता है, उस पर दोनों की डिक्री साथ हो सकती है। तो डिक्री चाहे एक साथ हो चाहे अकेले अकेले हो, उसका एग्जीक्यूशन जरूरी है। तो जब निष्पादन की बात करते हैं, तो पहला समझिए कि कोर्ट को एग्जीक्यूट करना, डिक्री को एग्जीक्यूट करना कोर्ट की कोई ड्यूटी नहीं है। कोर्ट सुओ मोटु अपने आप किसी डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। डिक्री का एग्जीक्यूशन तभी होता है जब डिक्री होल्डर, जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, वो डिक्री का एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन का ये प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 20 रूल 10 और 11 में। रूल 10 में प्रॉपर्टी अगर मूवेबल है उसका प्रोविजन दिया गया है, कैसे अप्लाई करेंगे, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एप्लीकेशन केवल रिटर्न में ही हो सकती है, ये प्रोविजन दिया गया है रूल 10 एंड 11 ऑफ द ऑर्डर 21 में। देखिए, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं, मोटे मोटे प्रोविजन तो सेक्शन 36 से 74 में दे दिए गए हैं, लेकिन उनका डिटेल, कैसे नोटिस जाएगी, कितने दिन की नोटिस जाएगी, अटैचमेंट कितने दिन का हो सकता है, ये डिटेल प्रोविजंस दिए गए हैं ऑर्डर में। तो हम यहां जब अभी बात कर रहे हैं डिक्री एग्जीक्यूट कैसे होती है, तो जैसे मैंने बताया एग्जीक्यूशन का मतलब होता है डिक्री को इंप्लीमेंट करना, और कोर्ट की ड्यूटी नहीं होती को डिक्री इंप्लीमेंट करे जब तक एप्लीकेशन ना आए। और इस चीज को कोर्ट ने सीधे घनश्याम दास वर्सेस अनंत कुमार सिन्हा के केस में 1991 का केस है, जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि कोर्ट की ऑटोमेटिक ड्यूटी नहीं होती, ना उसका ऑटोमेटिक राइट होता है कि बिना एप्लीकेशन दिए हुए वो डिक्री को
एक्सक्यूट करे। अब दूसरा सवाल हमारे, तो आप ये समझ लीजिए कि डिक्री का एक्सक्यूशन कोर्ट का कोई न ड्यूटी है न कोर्ट का कोई राइट है। जब एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन कौन देगा? एप्लीकेशन या तो डिक्री होल्डर देगा या डिक्री होल्डर का कोई प्रतिनिधि देगा, या तो उसने किसी को अपॉइंट किया हो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, नहीं तो उसके नेचुरल जो प्रतिनिधि होते हैं जैसे लड़के हैं उसके मरने के बाद, या ज्वाइंट फैमिली है तो उसकी ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं डिग्री के एक्सक्यूशन के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, हमने बताया कौन अप्लाई कर सकता है, दूसरा क्वेश्चन होता है कौन कौन सी कोर्ट डिग्री दे सकते हैं। तो देखिए ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है कि जो कोर्ट डिक्री देती है, जो कोर्ट जजमेंट देता है, उसको डिक्री को एक्सक्यूट करने की नेचुरल पावर होती है। डिक्री को देने वाला कोर्ट ही बेसिकली डिक्री को एक्सक्यूट भी करता है, जब तक कि कुछ ऐसी कंडीशन ना हो कि वो डिक्री को एक्सक्यूट ना कर सके। तो अब ये रूल जो दिया गया है सेक्शन 38 में दिया गया है, देखिए सेक्शन 37 और 36 में जो दिया गया है, 36 में लिखा गया है कि डिक्री मीन्स आल्सो ऑर्डर, कोर्ट को डिक्री को भी एक्सक्यूट करने की पावर होती है और ऑर्डर एक्सक्यूट करने की पावर भी होती है। और सेक्शन 37 में बताया गया है कि डिक्री कौन कौन सी कोर्ट पारित कर सकती हैं, सेक्शन 37 में। और सेक्शन 38 में क्लेरिफाई किया गया है कि डिक्री का एक्सक्यूशन वो कोर्ट भी कर सकती है, जैसे मैंने बताया आपको, जिसने डिक्री पारित किया गया है, या अन्य कोई कोर्ट कर सकती है जिसे एक्सक्यूशन के लिए, डिक्री के एक्सक्यूशन के लिए भेजा गया है। तो कौन भेज सकता है? सेक्शन 38 में लिखा गया वही कोर्ट भेज सकती है जब जो डिक्री पारित करती है कि भाई हम इसे पारित, इसके एक्सक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक्सक्यूशन आप कराइए। तो अब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि कब डिक्री ट्रांसफर होती है? डिक्री ट्रांसफर तभी होती है जब डिक्री पारित करने वाला कोर्ट उसका एक्सक्यूशन नहीं करा सकते। और जो डिक्री जिन कंडीशंस में ट्रांसफर होती है उसको मेंशन किया गया है सेक्शन 39 से लेकर के 45 में, जिनमें डिफरेंट कंडीशंस दी गई है कि डिक्री कब कोर्ट ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर तभी करेगा जब वो एक्सक्यूट नहीं कर पाएगा खुद। तो जब एक्सक्यूट नहीं कर पाएगा तो ट्रांसफर जो करेगा उसकी कंडीशंस दी गई है सेक्शन 39 टू लेकर के 45 में, और जिसमें हमारे लिए 45, 44, 42, 41 बेकार है, क्योंकि अब ये जो सेक्शंस थे सेक्शन 43 से लेकर के 45 तक, ये तब लागू होते थे जब इंडिया, यानी 47 के पहले इंडिया डिवाइडेड था प्रिंसिपल स्टेट्स में, मतलब जब स्टेट रियासतें थी तो उसमें रियासतों को भी विदेश कहा जाता था। तो 43 से लेकर 45 तक की डिक्री का जो रिलेशनशिप है वो दिया गया है कि डिक्री विदेशों में कब लागू हो सकती है। 45 सेक्शन 45 की रेलेवेंसी कुछ है किसी, क्योंकि 45 बात करती है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज की। तो एक अरेंजमेंट होता दो स्टेट्स के बीच में सेक्शन 5 में कि दो कंट्री अगर अग्रीमेंट करती हैं कि हमारे यहाँ कोई अगर डिक्री पारित होती है तो उसके आपके कोर्ट में एक्सक्यूट हो सकता है, या आपके यहाँ जो डिक्री पारित होती है उसे हमारा कोर्ट एक्सक्यूट करेगी। जैसे यूएई से हमारा अग्रीमेंट है और ब्रिटेन से हमारा अग्रीमेंट है, यूएसए से हमारा अग्रीमेंट है कि अगर कोई डिक्री कोर्ट में जो इंडियन सिटीजन की है उसे पारित होती है तो इंडियन कोर्ट से एक्सक्यूट कराएगी। और इसी तरीके से इंडिया में कोई डिक्री पारित करती है होती है जो रिलेटेड टू यूएसए में है, जहां वहां निवास करता कोई आदमी या प्रॉपर्टी वहां पर है, तो डिक्री यूएसए पारित कराएगी। ये प्रॉब्लम कब आती है? चाहे वो टेरिटरी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हो सेक्शन 45 में, या ट्रांसफर ऑफ डिक्री हो सेक्शन 39 टू 45 में, जैसे मैं बताया कि। तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब, देखिए चार कंडीशन होती है, जब डिक्री कोर्ट जो डिक्री पारित करता है उसे ट्रांसफर कर देता है दूसरे कोर्ट में। पहली कंडीशन तो यह होती है जब जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री पारित होती वहां रह नहीं रहा हो, तो जहां वो रह रहा है जो सेक्शन 39 जो वर्ड यूज किया गया है एक्चुअली एंड
वॉलंटरी रिजाइड्स, जहां वास्तव में निवास करता है, असुरक्षित निवास करता है। तो सुरक्षित निवास क्या है? जो अंडर कंपल्शन ना हो। जैसे मान लीजिए कि अब आप नौकरी करते हैं चंडीगढ़ में, आपका घर इलाहाबाद में है, तो चंडीगढ़ में जब नौकरी करते हैं आप, जब आते जाते रहते हैं, तो जो आपको आवास मिला वो वॉलंटरी नहीं है, वो सरकारी निवास है। आप जेल में हैं, जेल में सरकारी निवास है, या अंडर आप डिटेंशन है किसी गेस्ट हाउस में, अरेस्टेड हैं, डिटेंड हैं, तो अब आप वॉलंटरी वहां नहीं रहते, बल्कि आप अंडर कंपल्शन आप ला रहा वहां रहते हैं। तो जो आपका नेचुरल घर है, जहां आप या आप परिवार लोग रहते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल रेजिडेंस, दैट इज वॉलंटरी रिजाइड्स। एक्चुअली का मतलब वास्तव में जहां रहता है, तो एक्चुअली क्या मतलब होता है, कहीं भी रहे वो रात को अपने घर पर लौट आए। तो जजमेंट डेटर जहां एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स, यूजुअल कोर्स में जहां रात को सोता है, और जहां खुद के बनाए मकान में या किराए के मकान में रहे, लेकिन वो कंपल्सन ना हो। जैसे मैंने कहा कि जेल ना हो, प्रमिसेस ना हो, या सरकारी क्वार्टर ना हो थोड़े थोड़े दिनों का, तो उसको कहते हैं एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स। तो अब आप सोचिए, मैं रहता हूं इलाहाबाद में और मेरा घर चंडीगढ़ में है, मेरी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है, डिक्री कोर्ट करता इलाहाबाद का कोई कोर्ट करता या हाई कोर्ट करता है, तो चंडीगढ़ की कोई प्रॉपर्टी है तो उसे कोर्ट इलाहाबाद इन्फोर्स कैसे करेगा? नहीं कर सकता, इसलिए वो ट्रांसफर करेगा चंडीगढ़ की कोर्ट में। तो जो पहली कंडीशन होती है, जहां जजमेंट डेटर एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स करता है, या जहां व्यापार करता है, बिजनेस करता है, दूसरी जगह पे पान की दुकान खोलता है, मिठाई दुकान खोलता है, या अन्य तरह का कोई बिजनेस करता है, और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। देखिए यहां चार चीजें, आप तीन चीजें समझनी आपको। पहला, जो सेक्शन 39 में जो डिग्री ट्रांसफर होती है, इसलिए होती है क्योंकि जो जजमेंट डेटर है वह एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड नहीं करता, दूसरी जगह पे करता है, या दूसरा, या तो दूसरे प्लेस पर जहां ट्रांसफर की जाती है जजमेंट डेटर, वहां एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स करता रहता है, या वहां व्यापार करता है, या व्यापार करने का मतलब होता है लंबा है, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो गया जहां से रह के उसका हेड ऑफिस है, या विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ दी, या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन का क्या मतलब होता है? नौकरी करता है, या कोई अपनी दुकान लगाता है। हमारी दुकान इलाहाबाद में जौनपुर में है, रहता हूं इलाहाबाद में, जौनपुर हमारी दुकान है, तो जौनपुर में क्या हुआ, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ऐसे बहुत लोग करते हैं जो एक जगह रहते हैं, दूसरे सिटी में रोज आते जाते, अप्स एंड डाउन करते हैं, तो वहां भी अगर मेरी दुकान है, तो जहां पर मेरी दुकान है जिस पर मैं काम करता हूं, जहां मैं बिजनेस करता हूं, या जहां मैं एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड करता हूं, उसमें उस कोर्ट को जो डिक्री पारित करती है कोर्ट, उसे ट्रांसफर कर सकती है। जैसे इलाहाबाद कोर्ट डिक्री पारित करती है और हमारी सारी प्रॉपर्टी प्रतापगढ़ में है, वहीं मैं रहता भी हूं, या मैं रहता प्रतापगढ़ में हूं, प्रॉपर्टी मेरी बनारस में है, तो उनमें से किसी कोर्ट को कोर्ट कह सकता है। अगर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है, सेल है, तो प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड होगी वहां डिक्री पारित कर देगा। ध्यान रखिएगा, जहां जजमेंट डेटर वॉलंटरी रिजाइड करता है या एक्चुअली रिजाइड करता है, दूसरा जहां अपना बिजनेस करता है, और तीसरा जहां पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। तो मैंने बताया इसका क्या मतलब होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, जो पर्सन है, उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में होंगे जहां प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए सुविधा के लिए प्रोविजन बनाया गया है कि प्रॉपर्टी को कोर्ट ट्रांसफर करती है जो डिक्री पारित करता है। यह पहली कंडीशन होती है। अब दूसरी कंडीशन होती है कि मान लीजिए दो तरीका हो सकता है, इलाहाबाद कुछ प्रॉपर्टी उसकी हो, प्रॉपर्टी को सेल करना है, डिक्री में अटैच करना है, कुछ इलाहाबाद में है, कुछ प्रतापगढ़ में हो, तो जो प्रताप इलाहाबाद की प्रॉपर्टी हो तो कोर्ट अटैच कर लेगी, एक्सक्लूड कर देगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी प्रतापगढ़ की है उसे कैसे करेगी? तो दूसरी कंडीशन होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे सिटी में है, दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, चाहे फुल्ली हो चाहे पार्शियली हो, वहां डिक्री ट्रांसफर कर देती है। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर प्रॉपर्टी का सेल करना हो तो प्रॉपर्टी का सेल वही कोर्ट कर पाएगी जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अगर प्रॉपर्टी वहां दूसरे सिटी में सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी को डिलीवरी करनी है क्रेडिटर को, या प्रॉपर्टी को सेल करना है, ऑक्शन करना है, वहां उस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर हो जाती है जहां प्रॉपर्टी
जहां पर प्रॉपर्टी का सेल किया जाना है, मतलब जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर परचेजर है, जहां पर ऑक्शन हो सकता है। या इसके अलावा आप देखेंगे कोर्ट कुछ और समझती है, कंटिजेंसी है कुछ रीजन से, कोई यहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन की बाधा ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो कोर्ट के पास इन तीन के अलावा डिस्कशन होता है कि अगर वो चाहे तो किसी और रीजन से भी डिक्री को ट्रांसफर कर सकती है। तो देखिए यहां मैंने अभी डिस्कस किया सेक्शन 39 को। सेक्शन 39 में चार कंडीशन दी गई हैं जब कोर्ट डिक्री को, जो कोर्ट डिक्री पारित करता है वो किसी अदर कोर्ट को ट्रांसफर करती है। तो पहली कंडीशन क्या है, वहां ट्रांसफर करेगी जहां डेटर, जजमेंट डेटर एक्चुअल में और स्वैच्छिक रूप से निवास करता है। दूसरी कंडीशन है या जहां वो बिजनेस करता है या जहां वो कुछ ऐसा काम करता है जिसमें उसे फायदा होता है, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। दूसरी कंडीशन ट्रांसफर होती है जहां प्रॉपर्टी से वसूली करनी है मगर प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा नहीं है या है ही नहीं उस ज्यूरिसडिक्शन में जिसने डिक्री पारित की है, तो उस कोर्ट को वो ट्रांसफर कर देगी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी है, जहां से वसूली करके डिक्री होल्डर को चाहे पैसा देना हो, चाहे डैमेजेस देना हो, या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कराना हो, प्रॉपर्टी को डिलीवरी करानी हो। तीसरी है जहां प्रॉपर्टी को डिलीवरी करानी है या सेल करानी है, वहां पर जहां प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी वाले प्लेस पर जो कोर्ट होता है, उस जिले में जो कोर्ट होता है उसको डिक्री ट्रांसफर कर देती है। इन तीन ग्राउंड के अलावा कोर्ट चौथे ग्राउंड में भी अगर कुछ समझता है, किसी आधार बनता है, तो वो ट्रांसफर कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मैंने सेक्शन 39 बताया भी आपको, जिसमें डिक्री ट्रांसफर होती है, कोर्ट के लिए ट्रांसफर करना मैंडेटरी जरूरी नहीं है, ये डिस्कशन कोर्ट का है। अगर कोर्ट समझती है कि हम यहां से उस डिक्री को जो प्रतापगढ़ में है हम एक्सक्यूट करा ले जाएंगे, तो कोर्ट ट्रांसफर नहीं भी कर सकती है। यही से, क्योंकि बेसिकली ये डिक्री को एक्सक्यूट कराने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट उसी कोर्ट का होता है जिसने डिक्री पारित की है। और ये जो कंडीशन मैंने बताई सेक्शन 39 की, आपको चार कंडीशन जिसमें तीन तो मेन है, चौथा कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट अगर न चाहे तो ट्रांसफर न भी करे। और ये जो डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर ये इंसिस्ट नहीं कर सकता, उसके पास कोई वेस्टेड राइट या सब्सटेंटिव राइट नहीं होता कि वो डिक्री को ट्रांसफर कराए ही और उसे कहने कोर्ट ट्रांसफर डिक्री कर ही दे। कोर्ट कह सकते नहीं भाई चलिए यहीं से आप चलिए डिक्री ट्रांसफर यहीं करेंगे। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, न कि डिक्री होल्डर का राइट है कोई वेस्टेड, ये क्योंकि प्रोसीजरल राइट है। ये हम बात करें प्रोसीजर की, तो जहां प्रोसीजर है वहां कोर्ट का डिस्क्रिप्शन ज्यादा होता है और जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका एप्लीकेशन कम होता है। तो डिक्री को ट्रांसफर करने का जो इंसिस्ट करने का राइट है वो डिक्री होल्डर का नहीं होता, वो केवल कोर्ट से प्रेयर कर सकता है कि साहब ये डिक्री वहां ट्रांसफर कर दीजिए, वहां सुविधा होगी। अगर कोर्ट समझता है तो ट्रांसफर करेगा, नहीं समझता तो ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आप केवल एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो डिक्री होल्डर केवल एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अब देखिए कुछ, जब डिक्री, ये तो हुआ ट्रांसफर का, तो मैंने आपको बताया कि डिक्री हो चाहे ऑर्डर हो उसका एक्सक्यूशन कोर्ट ही करती है। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि वही कोर्ट करती है जो डिक्री देती है। और 38 जैसे मैंने बताया भी आपको कि दोनों कोर्ट, या तो कोर्ट जो डिक्री देती है ट्रांसफर करे या तो वो खुद ही करे, और बेसिकली जो प्रिंसिपल यह है कि जो डिक्री देती कोर्ट वही ट्रांसफर करती है। और सेक्शन 39 मैंने बताया कि जो कंडीशन होती है केवल उन कंडीशन में ही कोर्ट डिक्री को ट्रांसफर करती है, और वो भी केवल तब जब वो समझती है कि प्रॉपर है ऐसा करना, कोई ट्रांसफर करना कोई जरूरी नहीं है, ना तो ये क्रेडिटर का, ना तो ये जो क्रेडिटर होता है, जो डिक्री होल्डर होता है, उसका ये कोई नेचुरल या इनहेरेंट राइट नहीं है। अब ऐसा कैसे होता, जो ज्यूरिडिक्शन जो प्रिंसिपल 39 में ले डाउन किए गए हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए पहला तो लॉजिक यही है कि जहां पर प्रॉपर्टी है, जहां पर पर्सन है, वहां पर ही डिक्री को एक्सक्यूट करना ज्यादा कन्वीनियंस होता है, और जहां कोई पर्सन वॉलंटरी या नेचुरल नहीं रहता है, या जहां प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, यहां कुछ दुकान वगैरह नहीं है, वर्क फॉर गेन नहीं करता, वहां
डिक्री ट्रांसफर करने, डिक्री एक्सक्लूड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला प्रिंसिपल तो होता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि डिक्री का, कि डिक्री वही एक्सक्लूड होती है जो डिक्री पारित की गई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो कोर्ट डिक्री देता है उस डिक्री, वो चाहे खुद एक्सक्यूट करे चाहे किसी कोर्ट को ट्रांसफर करे एक्सक्यूट करने के लिए, उस डिक्री में फेर बदल करने की पावर उस कोर्ट के पास नहीं होती। अगर एक बार डिक्री दे दिया तो जजमेंट फाइनल हो गया, चाहे डिक्री चाहे ऑर्डर हो। फिर उसमें चेंज तभी हो सकता है जब, जैसे सेक्शन 152 में है कि केवल कोई गड़बड़ी हो, टाइपिंग में गड़बड़ी हो, अरिथमेटिक स्टेट में अरिथमेटिक कैलकुलेशन को गड़बड़ी हो गई हो। जब आप देखेंगे सेक्शन 152 में लिखा गया है कि तो डिक्री या ऑर्डर जो भी फाइनल हो गया है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, केवल अरिथमेटिकल और टाइपिकल एरर के अलावा। अब ये जो डिक्री, ये प्रिंसिपल दिया गया है कि कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री, ये प्रिंसिपल दिया गया सेक्शन 47 में, क्योंकि सेक्शन 47 का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आप एक्सक्लूशन ऑफ डिक्री और पासिंग ऑफ डिक्री, पहले 76 से पहले एक्सक्लूशन कोर्ट अलग होती थी और डिक्री जो पास करता था वो कोर्ट अलग होता था, लेकिन अब 76 के बाद ही होता था, 47 ऐड कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया है कि जो कोर्ट डिक्री पारित करेगा वही उसको इन्फोर्स भी करेगा जब तक कि सेक्शन 39 की कंडीशन न हो, ट्रांसफर करने की कोई कंडीशन न हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है प्रिंसिपल इन्फोर्समेंट का है कि कोर्ट चाहे ट्रांसफर ही कोर्ट हो जहां पारित की गई डिक्री, या ओरिजिनल कोर्ट हो जिसने डिक्री को पारित किया गया है, उस डिक्री में कोई फेर बदल नहीं कर सकता। डिक्री को जिस रूप में पारित किया गया है उसी रूप में इन्फोर्स होना चाहिए। एक बार जब डिक्री पारित हो जाती है तो उसकी लीगलिटी को लेकर के या करेक्टनेस को लेकर के चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिक्री चाहे सही हो चाहे गलत हो चाहे एरोनियस हो, अगर आपको चैलेंज करना हो तो अपील में करिए, रिवीजन में करिए। अगर अपील रिवीजन नहीं करते हैं तो डिक्री को उसी फॉर्म में, उसी शेप में पास इन्फोर्स करना होता है जिस फॉर्म में दिया गया, चाहे वो डायरेक्ट कोई प्रोसीडिंग हो चाहे कोई लेटरल हो। उसकी लीगलिटी को, उसकी वाइल्डनेस की करेक्टनेस को कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, अब जो सवाल आता है कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री, तो मैंने बताया आपको कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो डिक्री पारित की गई है उसमें कोर्ट, जो डिक्री पारित करने वाले कोर्ट ने पारित कर दिया है उसमें जो एक्सक्लूशन कोर्ट है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंगली जो डिक्री का मैंडेट है उसे इन्फोर्स करना होता है। इसे कहते हैं कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री। तो जो कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री का मतलब यही होता है कि डिक्री अब पारित हो गई है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, चाहे डिक्री सही हो चाहे गलत हो। अगर आपको चैलेंज करना हो तो अपील में जाइए या रिविजन में जाइए या जो कोई और फोरम दिया गया है। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को हम ये बिल्कुल सही मान लेंगे बहुत इनजस्टिस हो सकती है, क्योंकि डिक्री अदरवाइज भी गलत हो सकती है। गलती कहां हो सकती है, मान लीजिए पहला प्रिंसिपल एक्सेप्शन है, कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री का पहला एक्सेप्शन है कि कोर्ट डिक्री के पीछे जा सकती है, डिक्री के करेक्टनेस को देख सकती है, जहां कोर्ट के पास जो डिक्री कोर्ट है जिसने डिक्री दी है उसे एक पास उसको ज्यूरिडिक्शन ही ना हो उसे पारित करने का। जैसे मान लीजिए एक डिक्री है 500,000 की, या टाइटल की डिक्री है, तो टाइटल की डिक्री या 500,000 या ऊपर की डिक्री म्युनिसिपल कोर्ट के पास होती है। अब इसके नीचे कोर्ट क्या होती है, स्मॉल कास्ट कोर्ट होता है। उस मैटर को ले चले गए स्मॉल कास्ट कोर्ट में, और एक स्मॉल कास्ट कोर्ट के पास केवल 1,00,000 रुपए तक की पावर होती है और उसे टाइटल डिसाइड करने की पावर नहीं होती, केवल पोजिशन डिसाइड कर सकता है। और उसे मान लीजिए डिसाइड कर दिया टाइटल, तो टाइटल डिसाइड करने की पावर जब नहीं है स्मॉल कास्ट कोर्ट के पास, तो इन्फोर्सिंग कोर्ट उसमें उस डिक्री को इलीगल मान सकती है, कहते हैं उसको पास, इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है कि कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री, लेकिन पहला एक्सेप्शन क्या है कि जब पास करने वाले कोर्ट के पास बेसिक ज्यूरिडिक्शन ना हो,
जुरिडिक्शन इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो, क्लियर कट लिया गया है सीपीसी में नहीं जुरिडिक्शन नहीं है फिर भी एक्सरसाइज किया है, तो कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री, उसकी प्रोसीडिंग्स को कोर्ट चैलेंज कर सकती है, चेंज करके तब एक्सक्यूट करेगी, या दोबारा उस जिस डिक्री को पारित किया गया उसके पास फिर भेज देगी अगर ट्रांसफर की कोर्ट है कि भाई इसको फिर से पास करिए क्योंकि डिक्री इन्फोर्स करने लायक नहीं है। दूसरा, अगर डिक्री में एम्बिग्युइटी है जिसको सॉल्व करना जरूरी है, जो कोर्ट के समझ में, जो इन्फोर्समेंट कोर्ट समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, तो वो डिक्री को पारित उस रूप में नहीं करेगी। अगर ओरिजिनल कोर्ट है उसमें करेक्शन करेगी, अगर ट्रांसफरिंग कोर्ट है उसमें करेक्शन करने के लिए या क्लेरिफाई करने के लिए उसे ओरिजिनल कोर्ट को जिसने ट्रांसफर किया है उसे भेज देगी। दूसरा है एम्बिग्युइटी को सॉल्व करने के लिए। तीसरा क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है डिक्री में का लैंग्वेज ऐसा है जिसका एक पार्ट, एक फ्रैक्शन डिक्री होल्डर को मिल रहा है, दूसरा जजमेंट डेटर को मिल रहा है, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट क्या करेगा, कहेगा भाई मैं क्या करूं? तो फिर तीसरा कंडीशन होती कि अगर इंटरप्रिटेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, या डिक्री को करेगी तो उसमें पहले चेंज करेगी। तो तीन पॉइंट्स है जहां पर कोर्ट कैन गो बिहाइंड डिक्री, अदरवाइज कोर्ट को पावर नहीं होती है कि किसी डिक्री को वो चेंज करके तब उसे इन्फोर्स करे, और जनरल रूल यही है कि डिक्री को उसी रूप में चैलेंज करना पड़ता है। और चौथा पॉइंट भी इसमें कह सकते हैं कि जहां ऐसा कोई लैकुना हो जो कोर्ट को लगे और जो बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हो, जैसे मान लीजिए कि बिना सुनवाई के जजमेंट दे दिया गया है, बिना सुनवाई जजमेंट होता ही नहीं तो फेस ऑफ द रिकॉर्ड पर ही जजमेंट लगता है इलीगल, ऐसे केस में भी कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री। और कोई चीज छुपा दिया गया है, आप इसको पांचवा पॉइंट बना सकते हैं कि अगर डिक्री होल्डर ने कोई चीज छुपा करके, फ्रॉड करके, कलूजन करके, कंसील करके डिक्री ले ली है तब भी कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री। तो पहली कंडीशन क्या है, बेसिक रूल क्या है कि कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर नलिटी ऑफ द जुरिडिक्शन है। दूसरा, अगर अम्बिग्युइटी जजमेंट में है, डिक्री में है। तीसरा, इंटरप्रिटेशन को लेकर की कोई प्रॉब्लम है। चौथा, अगर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड से ही क्लियर होता है, देखने से क्लियर होता है इसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, दूसरी पार्टी सुनवाई नहीं की गई है, और चौथा पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर डिक्री होल्डर ने डिक्री जो ली है उसमें कोई फ्रॉड करके लिया है, कोई चीज कंसील करके लिया है, कुछ कलूजन किया है, तो ऐसे में ये पांच कंडीशन होती जहां कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री, और अदरवाइज डिक्री एक्सक्यूटेबल हो, डिक्री अदरवाइज एक्सक्यूशन कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री। पांचवा प्रिंसिपल है कि अगर मान लीजिए, या इसको छठा पॉइंट भी कर सकते हैं कि अगर आप एक्सेप्शन में कि अगर डेथ हो जाती है, मान लीजिए जो डिक्री होल्डर की डेथ हो जाती है तो, या डिफेंडेंट डेथ हो जाती है तो डिक्री कभी कभी एक्सक्यूटेबल नहीं होती। जैसे अगर एक्सक्यूटेबल है, अगर एक्सक्यूट हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी की डिक्री है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा सेक्शन 37 में जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोई सिंगर है, कोई पेंटर है, राइटर है, जहां एसोसिएट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पर तो डिक्री नॉन एक्सक्यूटेबल हो गई क्योंकि जब पेंट करने वाला है ही नहीं है, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे प्लेंटिफ हो, तो वो सूट डिक्री एक्सक्यूट नहीं होगी। लेकिन अदर केसेस में जहां प्रॉपर्टी का मैटर है, जहां रेवेन्यू का मैटर इन्वॉल्व है, वहां डिक्री एक्सक्यूट हो सकती है। तो छठा प्रिंसिपल आप कह सकते हैं कि अगर पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर डिक्री दी गई है तो डिक्री एक्सक्यूट नहीं होगी, कोर्ट कैन गो बिहाइंड द डिक्री। अब इसके अलावा जो आप सातवां पॉइंट देखिए, लॉजिकली चल रहे हैं हम लेकर के, सातवां कंडीशन कर सकते हैं अगर कंडीशन में चेंज हो जाती है, जैसे मान लीजिए डिक्री मुकदमा किराएदार मकान मालिक के बीच में है, लेकिन डिक्री पारित होती है किराएदार के बीच में, लेकिन अगर मकान मालिक ने किराएदार को मकान बेच दिया तब क्या हुआ, कंडीशन बदल गई, पूरी पूरी पार्टी का स्टेटस चेंज हो गया, इसलिए यहां पर भी
कोर्ट कैन गो बिहाइंड ए डिक्री, और या आठवां पॉइंट आप कह सकते हैं कोई जैसे लॉ इन्वॉल्व हो गया। सपोज करिए आप, हम जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1656 में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कोई लीगल इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, जैसे हमारा मकान है, मकान को सरकार ने एक्वायर कर लिया, हमारी जमीन को मुकदमा चल रहा लेकर के, तो डिक्री एक्सक्यूट नहीं हो पाती, वहां भी कोर्ट कैन गो बिहाइंड डिक्री। अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी है सेक्शन 56 में, अगर जहां में परफॉर्म करना वहां आग लग गई मकान में, जिस मकान को बेचना है वो मकान जल गया, जमीन में बाढ़ आ गई, पानी आ गई, तो वहां भी डिक्री एक्सक्यूट नहीं हो सकती। ये आठ कंडीशन जो मैंने आपको बताया, एक एक करके उसको दिमाग में रखिएगा, जहां कोर्ट कैन गो बिहाइंड ए डिक्री। तो पहली कंडीशन, पहला जो बेसिक फंडा क्या है, एक्सक्यूटिंग कोर्ट, एक्सक्यूटिंग जो कोर्ट एक्सक्यूट करती है, इट कैन नॉट गो बिहाइंड ए डिक्री, जिस फॉर्म में डिक्री पारित की गई है उसी फॉर्म में उसे इन्फोर्स करना है। लेकिन कब इसका अपवाद होता है, कब कोर्ट कैन गो बिहाइंड डिक्री? पहला तो मैंने बताया आपको कि जब नलिटी ऑफ द जजमेंट हो, जब कोर्ट का इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन, इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो। दूसरा, डिक्री में कोई एम्बिग्यूटी हो। तीसरा, कोई प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन को लेकर के हो। चौथा, कोई स्टेटस में चेंज आ जाए पार्टी के। पांचवा, उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए। और छठवा, किसी पार्टी की डेथ की वजह से, डेथ के कारण से वो एक्सक्यूट न हो सके। और सातवा, अगर उस फॉर्म में अगर कोई इनहेरेंट लैक ऑफ प्रोसीजर हो, जैसे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो, पार्टी को सुनवाई दिए बिना जजमेंट दे दिया गया हो, तो एक्सक्यूटिंग कोर्ट मना कर सकती है उसे एक्सक्यूट करने के लिए। या कोई लॉ अगर आ गया, जैसे फ्रस्ट्रेशन वाले ने बताया आपको, सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली है, आजकल देखिए बहुत जमीनें गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है सड़क बनाने के लिए, मुकदमा चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया है तो मुकदमा अपने आप खत्म हो जाएगा, एक्सक्यूट नहीं हो पाएगी। तो ये कंडीशन है जो जिसमें, और चेंज सरकमस्टांसेस के कंटेक्स्ट में परिस्थितियां बदल जाती हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको, किरायेदार के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, डिक्री एक्सक्यूट हो गई फेवर में किरायेदार के, लेकिन मकान मालिक ने किरायेदार को अपना मकान बेच दिया, वहां भी स्टेटस में चेंज हो गया, परिस्थितियां चेंज हो गई, इसलिए कोर्ट उसे एक्सक्यूट नहीं कर सकता। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं, 7-8 जो आपको याद रखने हैं। सवाल अगर अलग सवाल आता, कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड डिक्री, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि जिस फॉर्म में डिक्री पास की गई है उसी फॉर्म में एक्सक्यूटिंग कोर्ट को एक्सक्यूट करना है, जब तक ये एक्सेप्शन जो उन्होंने बताया आपको 7-8 एक्सेप्शन वो न हो। अब इसको अगले टर्म डिस्कस करेंगे कि जैसे अब बहुत सारे एस्पेक्ट आता है, तो मैंने आपको जनरल बताई, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, ट्रांसफर कैसे कोर्ट करती है, कौन कोर्ट कर सकती है, और ट्रांसफरी कोर्ट के पास जब जाती है तो ट्रांसफरी कोर्ट क्या करता है, ट्रांसफर क्यों किया जाता है। अब अभी हमारे पास जो डिस्कस करने टॉपिक है, और ये किसके किसके खिलाफ डिक्री एक्सक्यूट की जा सकती है, दूसरा एक्सक्यूशन का मोड कैसे, मैनर कैसे होता है, और तीसरा है अरेस्ट डिटेंशन, जब एक्सक्यूशन, जब जजमेंट डेटर न पैसा दे सके तो क्या होता है, अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन बनता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और इसके बाद सेल एंड डिलीवरी, इसको हम डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू।